आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी पदाधिकारियों को नियुक्ति को बरकरार रखने का पत्र जारी कर प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आ गई है। सितम्बर की नियुक्ति को बरकरार रखने के हाईकमान के फैसले के बाद हुड्डा खेमे में लगातार सितम्बर की बगावत पर उतर आया है। हाईकमान द्वारा उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के फैसले के बाद भी हुड्डा खेमे में सुर नहीं बदले हैं। राय से विधायक जय तीर्थ दहिया ने खुलकर सितम्बर की बगावत की है और विधायक ने कहा कि अशोक सितम्बर को बदलने की लगातार 12 विधायक मांग कर रहे हैं। कल जो पत्र जारी किया गया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि अशोक सितम्बर को बदला नहीं जाएगा। विधायक ने कहा कि सितम्बर के नेतृत्व में पार्टी कमजोर हो रही है, किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हमें हाईकमान के उम्मीद है कि हमारी मांग को अनसुना नहीं किया जाएगा। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने हाईकमान को चेताते हुए कहा कि अगर हाईकमान प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत देखना चाहती है तो हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना जरूरी है, क्योंकि आज प्रदेश की सबसे मजबूत और दमदार प्रदेशाध्यक्ष बन सकता है तो वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हालांकि जय तीरथ दहिया के बयान पर सितम्बर खेमे ने भी पलटवार किया और कहा कि विधायक और उनके साथी एक व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, वह पार्टी के हित में नहीं है। ऐसे लोग पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाकर कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत प्रदेशाध्यक्ष और हाईकमान से की जाएगी। आपको बता दें, एक सितम्बर और सोनीपत में सितम्बर खेमे में लड्डू बांटे, तो वहीं हुड्डा खेमे ने सितम्बर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब कांग्रेस हाईकमान का अगला फैसला क्या होता है। उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है और पार्टी से बढ़कर के कोई आदमी नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने दोबारा से नियुक्ति की है और उस पर काम करेंगे। और अशोक तंवर के मामले में, अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को सारे हरियाणा में जिंदा किया है और आवाज उठाई है, युवा की भी, किसान की भी, मजदूर की भी, जिससे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। कुछ शरारती तत्व होते हैं, पार्टी में भी हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं, जो अपने स्वार्थ की राजनीति करते, व्यक्ति विशेष व्यक्ति की राजनीति करते हैं। वो पार्टी के अपना पार्टी से अलग होकर के MLA चुनाव लड़के देते, पता लग जाएगा औकात क्या। मान जो भी हाईकमान के पास ये बात माननीय प्रधान जी के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी, हाईकमान जो फैसला लेगा मान्य है। दलील ये दी जा रही है कि उनके नेतृत्व में पार्टी कमजोर हुई है, इसलिए मांग की, उनको बदलने की मांग की। उनको अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध होता दिखाई नहीं दे रहा, मगर हम सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं। उनका अपना ये ऐसा सोचना, यानी जो लोग बोल रहे हैं वो व्यक्ति विशेष की राजनीति, व्यक्ति विशेष की राजनीति कर रहे हैं, वो पार्टी विशेष की राजनीति नहीं कर रहे, ना समाज की राजनीति कर रहे। आप देख रहे होंगे ये जितने नेता लोग हैं कितने पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर उस कार्य को तो हम आप लोग देख रहे हैं। रोज की रोज पब्लिक के मुद्दे उठा गए, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कोई सा भी नेता सड़कों पर नहीं उतर रहा। और आप आ जाओ, फिर चल जाओ हिसार में, हिसार में हमने जवाब सिरसा में जो चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरे बना के उसको बना रखे थे, आज जाके देखो उसको गया है। और इनका एक काम बता दो भी, ये यूनिवर्सिटी बना दी, आई ये कर दिया हमने, एक ये हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कौन सा बनाया भाई, कल्पना मेडिकल कॉलेज थी पूरा शुरू में आए थे। उनके बुजुर्गों की पेंशन क्या लिए थी। एक हमारी बेटी वो वहां से वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड बन के आई है, अब तक तो हमारी ये मैं पत्र जो है हाईकमान ने सिर्फ एक रूटीन का पत्र, और इस रूटीन के पत्र में उन्होंने वो भी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा में महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की है, वहाँ खाली पड़ी थी जगह, दिल्ली में भी खाली पड़ी थी, वहाँ अब समिष्टा मुखर्जी की पोस्टिंग की है,
उसकी अपॉइंटमेंट करते ही उनको ये हो गया कि कहीं दूसरे प्रदेश भी ये ना सोचें कि हमें मांग करनी पड़े। उन हालात में उन्होंने लिख दिया भाई बाकी तब करेंगे जब हम हाईकमांड के निर्देश होंगे। अभी उनका ये कहना कि भाई उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि भाई ये बदला नहीं जाएगा, ये लिखा है फिलहाल। और कोई ये जो लेटर लिखा गया है इस लेटर में खास तौर पर स्पेसिफिकली हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी नहीं कहा, उन्होंने तो एक जनरल एक रूटीन का लेटर निकाला है। मांग वही रहेगी जो पहले थी। वही है जी।